आइए हम देखते हैं कि अलग अलग किस्म की औरतों के लिए इद्दत क्या होती है। नॉर्मल औरतों के लिए 3 हैज गुजरने तक, जैसा कि हमने अब देखा। सेकंड, मान लीजिए कुछ औरतें होती हैं जिन्हें हैज नहीं आता है, चाहे वो बहुत बुजुर्ग होने की वजह से, ओल्ड एज में पहुंचने की वजह से, मेनोपॉज के बाद के दौर की वजह से, या कुछ कुछ लड़कियों में ऐसा भी होता है कि उन्हें कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हैज नहीं आता है। तो उन्हें अगर हैज नहीं आ रहा है तो 3 मंथ्स का पीरियड है उनके लिए, यानी 3 मंथ्स, 3 महीने उनकी इद्दत है। तीसरा, प्रेग्नेंट औरतों के लिए जब तक डिलीवरी ना हो जाए। अब डिलीवरी आपको पता है कि 9 महीने भी लग सकते हैं। मान लीजिए कि प्रेगनेंसी के शुरू के दौर में ही शौहर ने कहा था तलाक, तो उसके अंदर इद्दत का पीरियड होगा 9 महीने, 9 मंथ्स। ये भी हो सकता है कि डिलीवरी के चंद घंटे पहले या चंद दिन पहले शौहर ने कहा तलाक, तो चंद घंटों में या चंद दिनों में उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। और चौथी, वो औरतें जिनकी विदाई रुखसती नहीं हुई, शौहर ने सिर्फ निकाह किया था, निकाह करने के बाद में किसी प्रॉब्लम्स की वजह से उसने कहा तलाक, तो उन लड़कियों की इद्दत होती ही नहीं है। कुरान सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 49। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।